ये सुना है, ये खेत में जाना है, अरे खड़ी जरा पीछे पीछे के जाओगे। अब सभी साथियों को सबसे पहले अरस शिकारा की तरफ से राम राम। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अरस शिकारा काम क्या करता है, उसका काम धंधा क्या है, इतना कैसे घूम लेता है, कैसे इतनी गाड़ी घोड़ा का तेल पोगा लेता है, इसलिए इतना काम किए है। आज आप लोगों को बारीकी से और डिटेल से अपना काम दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता भी लग जाए भाई अच्छा कर रहे हैं, बूंदा कर रहे हैं, के कर रहे हैं, के नहीं कर रहे। आप लोगों के संज्ञान में ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। आप लोगों को आज मैं काम दिखाता हूँ। हाल फिलहाल खड़े हैं मेरे ऑफिस में, कई बारी मन भी करता कि दिन का ब्लॉग बनाकर डालना ताकि आप लोगों ने बेरा पट जा, इसलिए ये है अपने इतने प्रोग्राम होते हम प्रोग्रामों की पोस्ट तक भी नहीं डाल पाते, तो ब्लॉग तकड़े तो डालेंगे अपना। 11 साल में मैंने 4,500 से प्लस प्रोग्राम अटेंड कर लिए, यह बात कहने में बहुत छोटी है, 4,500 प्रोग्राम बहुत गणे हुए, लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। और एक प्रोग्राम में खर्चा हो है, और एक प्रोग्राम में आप लोग दान कर दो हो, मेरे तो पहले तो वो बता दूं, जो हम लड़कियां की शादी करा ना उसके लिए आप लोग दान देते हो। कई आगे सवाल वहां खा गया होगा, चोर है, ठग है, डाकू है, आप लोगों को पहले तो आज मैं क्लियर कर देता हूं बारीकी से, कितने रुपये खा सकूं भाई, कितने दे सको। 5,000 रुपया में स्कॉर्पियो गाड़ी की टंकी फलो है, 500 किलोमीटर का डे है, दो गाड़ी तो परमानेंट चल जाना पड़ी, 600 किलोमीटर डेली का घूमना फिरना हो जा, 500 ही मान लो, 10,000 का तेल रोज का होगा, 10-12 आदमी मेरी गल भी रहे भाई, उनका खान पीन का खर्चा भी आज तक किसी के घर जाकर किसी का खर्चा नहीं करा लिया। जिसके प्रोग्राम में जाएंगे 11,000 रुपया तक हमारे पे कोई रुपये नहीं लेता, हमारे नाम के हिसाब से अंदाजा ला लिए, छोटा हा प्रोग्राम होगा ना जब भी 11,000 रुपये हमारे पे लिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता 50-40,000 रुपये घर तक ना लागते हूँ। और तुम दान कर दो हो छोरी बहन ही हो, जब उस छोरी बहन में भाई जब तुम करोड़ रुपया दे हो तो इसका मतलब मैं चोर हूं, मैं थारा खान लाग रहा हूँ, फिर भी उन चीजा की मैं लिस्ट डाल दूंगी, ये दानवीर साथी थे का देखा नाम रह जाए अगली बार डाल दूंगी, एक आदमी का भी नाम रह जाए ना मेरी बेइज्जती कर देगा, मेरा नाम ना लिया छकारा मेरे रुपये खा गया, या तो है क्लियर क्लियर मोटा मोटी बात, लेकिन लोग फिर भी मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध का कारण यो, मजदूर का छोरा, मजदूरी करने वाले का छोरा, मजदूरी कर काजी सी जगह पे क्यों आ रहा, उनका जम नहीं होती ये बात, सीधा नेता मंत्री सीएमओ को टारगेट करता है, सीधा उनको कहता है, सच्चाई बोलने वाले कड़वे ला गया करे भाई, आमा आमला नाले पानी मारो या करे, कितने भी एडजस्ट हो सके, एडजस्ट होने वाले हम सांप हो ना। आज काम धंधे की एक एक चीज बारीकी तो देख लियो, मेरे ऑफिस में खड़े हाँ, यो है अपना ऑफिस का कैमरा, पहले ताड़े दे दिखा दू तुमने, ये बालक दवाई पैक करने लग रहे, काम चल रहे हो दिखता होगा, ये बालक कॉलिंग सुना है, ये बैठे आप लोग ना पूरे कैमरे तो दिख नहीं सकते, ये तीन छुट्टी पोंगे इस साइड के, आप लोग दिख नहीं रहे पूरे, ए या पार्किंग है बाहर काम करने वाले ये व्हीकल व्हीकल खड़े हैं। पहले तो आप लोग ने डिटेल तो एक चीज दिखा दूं, सरकार ने हमारे पर 7 रेड मारी थी, हमारे में कमी होती मन भीतर मार दे बार भी नहीं लगड़ दे, उसका कारण है क्योंकि सरकार का मैं ही डाल रड़कन लाग रहा हूं, मेरे तो 20 बार इन्हों कह दी आपकी सरकार ने अच्छकारा पार्टी ज्वाइन कर ले बेटे, बहुत ऊपर चला जाएगा, बड़े बड़े पदाम हैं, 50-100 करोड़ रुपए कमाने की अगर मेरी भूख होती मैं पार्टी ज्वाइन कर कू भी कमा लूंगा, इतना भोकना बोलना मना वह है, उन तो माहौल बना बना दे दूंगा, और तुम के हो तुम फिर कुछ भी नहीं कर पाओ। आज मैं थारा भाई हूं, मेरा तुम गला भी पकड़ लो, मेरे तो गाले भी दे दो, मेरे तो गले भी मिल लो, यो थारा प्यार प्रेम थारे बीच में रहना चाहूं ना, तो न्यू बता दे पद न कौन ठुकराया करे, ये अपने सर्टिफिकेट लाग रहे हैं हर चीज के, हर चीज के अपना आयुर्वेदिक दवाइया का काम है, दवाइया के बारे में ये कहेंगे यो तो दवाई बेच रहे है, क्यों भाई मैं दवाई नहीं बेच सकता,
मेरा सबसे सवाल है, मतलब चोरी का काम है, ठगी का काम है, यार सब अपना काम धंधा करें, समाज सेवा से अलग सबका जीवन है, मतलब लोगों का यो कहना मैं को काम भी ना करूं, और फिर न्यू भी कह रुपये की तले आवे है, मैं घर भी बैठ जाऊं काम भी ना करूं रुपये, यार अजीब दुनिया है। दुख होगा, मारे भी घर है, परिवार है, खर्चे हैं, थारे तो 32 खर्चे, 26 परिवार अंत पालया करूं, 26 परिवार पालने का मतलब आप लोग नहीं समझ पाओगे, आप अपने ना पाल लो, जिम्मेदारी का पता लग जाएगा, 26 कितने हो हैं अंदाजा लगा के देखना, सैकड़ों आदमी मेरे कारण, 100 आदमी मेरे कारण रोजगार कर रहे हैं, कमा कर खा रही है, मैं इस समय संतुष्ट हूं, खुश हूं, मैंने कुछ बच्चों ना बच्चों, आ जाओ आज तुम ना सारी चीज दिखाऊंगा, किस चीज देखियो, और एक बात और बताता हूं, तुम ना पहले दिखाई दू फिर बताता हूं। एक मिनट रुक जाऊंगा, थोड़ा बंद कर ले, ये ऑर्डर तैयार हो रहे हैं अपने आयुर्वेदिक दवाइयां जो विदेश में जा कर, इनके अंदर को खास बात बताऊंगा, ये तुम सब ने बेरा पैट रहा पा दवाइया का काम करा, पहले आता अपनी दवाई की हर एक डिटेल पाओगी, एड्रेस पाओगे, अपना जो दवाइया का नंबर ऑर्डर करने तैयार है 98 730 33 33 9, ठीक है, और फिर अपनी वेबसाइट www.babajikibooti.com, फिर है पूरा एड्रेस सेक्टर 23 के अंदर सोनीपत हरियाणा में, यो तो हो गया अपना एड्रेस, ये जो तुम ऑर्डर देखने ला गए हो ये ऑर्डर इब रेडी हो गए, ये धरती में भी पड़े हैं, ये जाएंगे विदेशा में भारत देश। अब आती है काम की बात, शुगर सब जिंदगी आप लोग दवाई खाए जाओ, सब जिंदगी आप लोग दवाई खाए जाओ हो अंग्रेजी, मन तो सुनी नहीं किसी की शुगर नॉर्मल हो, जब तक नॉर्मल रहती जब तक आप दवाई लेते हो, मारी दवाई इस्तेमाल करके देखना, मधु विनाशी नाम ते आयुर्वेदिक दवाई होती अपनी, और सिर्फ 3 महीने लेके देखना आपकी शुगर नॉर्मल नहीं हो जाए, गारंटी होगी, जब जब परहेज करोगे, परहेज बिना मारी दवाई का कोई महत्व नहीं, यही है खुल कर बताऊ, जिनका 800-800 शुगर थी जो हॉस्पिटल में गए जिन्हें डॉक्टर ताए देव भी मारे बाहर आवे, बहुत सारे अस्पताल मारी दवाई जान लग गई, उसका कारण ये तो होगा कि मारी दवाई की वो खास बात होगी, इससे ज्यादा उदाहरण तो क्या दूंगा, जब मैंने कह लग रहा सरकार ने रेड मारी वह खबर तक अखबार में कटवा दी, और मारी दवाई जब ठीक पाई सारे सैंपल मारे पास हुए, हालांकि सरकार हमारे को विरोधी समझती है, जब मारे सैंपल पास हो गए जिसमें कई लकड़ बग्गे आंगा ला रहे थे जो इससे के अंदर पार्टी के अंदर रहे हैं, बड़े बड़े चमचे मंत्री बन रहे हैं जो न्यू आंगा ला रहे थे, छकारा ने एक बम लील दो इन बदनाम कर दो, के मन के मैं ये दवाइयां मैं कमी बता गई ने भीतर मार दो, ये मारी दवाई की वैल्यू है, फिर भी मारे बांगली नहीं ठा पाई सरकार, इतना बड़ा सिस्टम, आप इस दवाइयों को फलाना नहीं चाहते, क्यों तो छकारा कामयाब ना हो जाए, अरे भले मानसो न्यू तो देखो छकारा की कामयाबी ने कोड़ ना कर दो, समाज की तरफ देखो, जो जिंदगी भर रुपये बर्बाद करे जा है वो 3-4 महीने खा गए, बेशक छोड़ दो मारी दवाई उसकी नॉर्मल ही रहेगी, अगर परहेज ना तोड़ेगा तो परहेज परहेज करते रहना, शुगर कई पूछेंगे जड़ तक खत्म हो जाएगी, कति नहीं होगी भाई, शुगर कभी भी खत्म नहीं होती, कंट्रोल हो जाएगी पक्का, कंट्रोल जबती हो जाएगी, जबती दवाई छोड़े पीछे भी परहेज रखोगे कंट्रोल पक्का रहेगी गारंटी। अब बात आती है छोटी सी दवाई है वजरवर्धक नाम वजन बढ़ाने की, छोरा हो जाए छोरी, छोरी का 8 किलो छोरे का 10 किलो तक वजन बढ़ा देती है 1 महीने के अंदर, आप लोग इतना खर्चा करो को कोला पर जाओ, कोई की तजा कोई की तजा, बहुत बने रुपये वेस्ट कर रहे हैं, वजन बढ़ाती लाख लाख रुपये ला दिए हैं लोग, इसका कोई साइड इफेक्ट कोई नुकसान आयुर्वेदिक दवाइयां कैसे में नुकसान तो होता ही नहीं, पहले तो आप लोगों को क्लियर कर दूं। दूसरी बात टेम्परेचर बहुत मायने रखता है इन पर, 24 घंटे ऐसी चलता पाओगा दवाइया पर, और क्या पे चलो या ना चलो दवाइया पर 24 घंटे चलता पाओगा। एक छोटी बात और बता दू, कई साथी सोचे ये इतनी है दवाई, इतनी दवाई नहीं है, ये आज आज के ऑर्डर है जो तैयार हो गए जाएंगे, फैक्ट्री नहीं है या ये तो ऑफिस है, फैक्ट्री तो अपनी बहुत बड़ी है, मारते तुम्हारी दवाइया की डिमांड पूरी तक नहीं होती, वजन बढ़ाने की दवाई कोई साइड इफेक्ट कोई नुकसान नहीं होता, हर चीज की डिटेल में बारीकी बताऊंगा सारी बातें, ये सतुल घटक
उनका भी वजन घट गया जो पेशेंट है, जो भरा भरा छह छह महीने से बेड रेस्ट पर बेड पर लुटी है, उन्हें परहेज करे दवाई ली, उनका वजन घट गया अपनी दवाई से। लेट का वजन घटाना बहुत मुश्किल है, मैंने उनका भी घट गया। अगर कोई इसने लेकर एक्सरसाइज कर लेगा उस बात का अंदाजा लगा के देख लो आपका वजन कैसे घट सकता। हर बार मैं अपना वजन 20 तक घटा रहा हूँ, मेरा एक ऐसा वजन है जिसकी रिकवरी बहुत फास्ट है। परहेज करने पड़ेंगे वजन घटाने वाले, मैं पहले ही बताता हूँ, जब वजन घटेगा तब आगे मीठा खाओगे तो वजन नहीं घटेगा भाई, परहेज बहुत मायने रखता है। अब बात आती है ऐसी चीज की, मेरे लिए तो एक खुशखबरी की बात हो भाई, आप लोगों के लिए पता नहीं, एक तादरीगन का लड़का था, डिटेल हम बता नहीं सकते, बहुत परेशान था, गोली खान की नौबत बता रही थी, 11 साल शादी को हो गए थे, बच्चे नहीं हुए थे क्योंकि उसके जो शुक्राणु थे वे नील थे, जीरो। डॉक्टरों ने हाथ उठा देते नील शुक्राणु होने के बाद, हमने नील शुक्राणु वाले के दवाई से ठीक करके उसको संतान पैदा होगी, वो इतना खुश है जिसकी कोई कीमत नहीं। उस बेचारे का 12वें साल मजाक लड़की हुई, उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिनका नील शुक्राणु है, बच्चे होने में दिक्कत हुए है उनके, आप सभी साथियों को बता दूं एक बारी आओ भाई मिल दो, अपनी करंट की, अपनी और अपनी पत्नी की रिपोर्ट करवा के लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मिलना। हमको वो आड़ वो नहीं है जो हमारे वैद्य जी बैठते हैं, वैद्य जी तभी दवाई दे पाते हैं जब आपके पास करंट की रिपोर्ट होगी। एक बात का और ध्यान रखना, अरे लड़का लड़की होने वाली दवाई नहीं भाई, बच्चा होने वाली दवाई, जिससे को बच्चे नहीं होते उसकी बात है, बच्चा हो जाएगा बच्चे की गारंटी, ये गारंटी नहीं लड़का होगा लड़की, वो प्रकृति की देना, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब ये अपनी शिलाजीत कोई भी ले सकता है, सुबह मैं भी लेता हूं इसको, शिलाजीत का मतलब ये नहीं होता भाई, आप शिलाजीत वो लिया रहे जिसमें को कमी हो, छोटी सोच छोटी मानसिकता वाले आदमी सोचते हैं। शिलाजीत सुबह उठकर खाली पेट गुनगुने पानी में एक चम्मच से अदर थोड़ी शिलाजीत मैं भी लिया करूं, इसके बाद वर्कआउट करा रूँ, इससे थकावट ना होती, स्टेमिना टेस्टास्टेरोन एक नंबर के बना के रखता है, मर्द के लिए तो बहुत बेस्ट चीज है। अब आप सभी साथियों को एक चीज और बता देता हूं, जिनके बाल झड़े हैं बाल उड़े हैं, हमारा तेल इस्तेमाल करके देखो, जिनको पसंद डलवानी है, जिनके अंदर कमियां होती हैं, यानी कि जिन्होंने कम उम्र में गलत काम करके अपनी नशे कमजोर कर ली, सेक्सुअल हरासमेंट होगी या पारिवारिक सुख जो होते हैं वो नहीं भोग पा रहा, शारीरिक कमजोरी के कारण शारीरिक संबंध बनाने में जिसको दिक्कत होती है, उसको एक बात बताता हूँ, अपना 45 दिन का कोर्स है सवर्ण शक्ति भस्म वाला, गारंटी देता हूँ लेके देखना, 45 दिन बाद आपको जीवन में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आओगी। अब आप सभी साथियों को बता दूं अपनी दवाइयाँ की डिटेल, जी ना और बारीकी तो जाननी है, सारी दवाई नहीं है, दवाई अपनी बहुत सारी है, मैं आप सभी को बता देता हूँ अपनी, जिन्होंने डिटेल जाननी है बारीकी से दवाइयाँ की, वो आदमी www.babajikibooti.com वेबसाइट पर जाओ, उड़ा जाकर सर्च करो, उड़ा जाकर सारी दवाइयाँ की डिटेल काटो, जैसे ये पाइल्स की है, एक हफ्ते के अंदर बवासीर जड़ से खत्म हो जाती है, क्यों ऑपरेशन कराते अंडो हो, क्यों इंजेक्शन सुई गोली लगाओ हो। आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूँ, आयुर्वेद पर विश्वास करो, और हम आयुर्वेद को ही बढ़ावा दे रहे हैं, हम वो काम करने लाग रहे हैं जो लोग लुट लुट कर दुखी हो लिए, और जो जिनका सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम होती है ना, वे तो मेरे भाई अपना किला तक खा जाए ही, कितने लाख रुपये डॉक्टर उनके लगा दे हैं, और कोई भी दवाई हो इंग्लिश वह जब तक आपको रिजल्ट देती जब तक वो आपकी बॉडी के अंदर रहती है। जब आप बुखार की गोली भी लेकर आओगे डॉक्टर ने बताओगे दिन में 3 बार लेनी है, 3 बार का मतलब ये है उसका जो टाइम पीरियड है 6 घंटे का गैप बता देंगे, 6-6 घंटे बाद लेना, 6 घंटे तक वो आपको रिलीफ देगी, उसके 6 घंटे बाद फिर नहीं लोगे तो उस गोली का असर खत्म हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश दवाई जब तक रिजल्ट देती तब तक आपके पेट में रहती है, और आयुर्वेदिक बीमारी को दबाती नहीं बीमारी को खत्म करती है, इस मारे आयुर्वेदिक तो चीज लिया करो, यो मारा भाई छोटा सा काम धंधा है, इस तरह सैकड़ों आदमियों को रोजगार दे रखा है, इसी के कारण अपनी तेल पानी चलता है, 80% समाज सेवा में लग गए है, कान खोल कर सुन लो,
50,000 रुपये प्लस का डेली का अपना खर्चा होता है। इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा काम होने के बाद मैं 100 गज का खुद का मकान तक नहीं जोड़ पा रहा हूं। सोचने की बात यह, वो पैसा जाता कहाँ है जिसमें से 3-3.5 लाख रुपए मंथली सरकार भी ले लेती है टैक्स के रूप में, ठीक है, या किसी भी रूप में। और सारा जो अपना काम है एक नंबर का है, सरकार को टैक्स हम देते हैं, जो भी हमारे पे टैक्स बना वो हम भरते हैं, जो भी हमारे पे इनकी पे किसी भी प्रकार की बनती वो हम देते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरी इतनी ही गुजारिश है, विनती है, बार बार आप ये चीजें पूछते हो भाई काम क्यों करे है, क्या करे है, बिना काम करे घर दबार नहीं लिखड़िया जा कर, बिना काम करे आप, जब आपकी जेब में तेल का पैसा नहीं होगा, जब आपकी जेब में कुछ करने के लिए बाहर जाने के लिए किराया भाड़ा नहीं होगा तो आप कुछ कर कैसे पाओगे। अब बात आती है उनकी जो खान के ऊपर का आग्रह या दान के ऊपर का आग्रह, भाई आप लोगों के 5-10 हजार रुपये खाए पिए तो कुछ ना होता मारा, वो इस मारे नहीं हो सकता, हमारा घर नहीं चल सकता इन चीजों से, ठीक है। मन आप लोगों को कई बार ये बता, शोक देसी गांव भी ले रहे हैं, बहुत बड़ा खर्चा हो उनका भी, थरपन नहीं मांगते ना उनके नाम के। दूसरी बात, शादी पहले महीने 22-25 करी थी, उससे पहले 25-27 करी थी, इस महीने में एक शादी करी ही, सॉरी 3-4 करके गए थे, 2 करी ही, यानी कि 5-6 शादी करी, यानी 5-6 शादी जो करी है उनसे अलग बाकी दिन का खर्चा भाई कौन दे फिर मेरे ते? आप तो शादी वाले दिन में तो सहयोग करते होगे। ये अनाप शनाप बातें बोलकर सिर्फ इतना है, आप ये चाहते हो यो आदमी आगे क्यों कर बैठ रहे हैं, क्यों करे भी दबा लो कदे यो ऊपर ना चला जा, इतना ऊपर मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं पैसा मुझे इतना ही चाहिए जो मेरी जरूरत पूरी कर सके, कोठी बंगले गाड़ी घोड़े खड़ी करने का मैंने शौक कौन है, गाड़ी भी मुझे वह चाहिए जो मेरी जरूरत पूरी कर सके, 10-22 मारे गल रखनी पड़े इज्जत का को गाख ना हो जा, थारे कान सरकार मेरी दुश्मन, प्रशासन मेरी दुश्मन, गुंडे बदमाश मेरे दुश्मन, दोषी धमकी डेली आते हैं घर तबार लेकर तो मारांगे, तुम्हारी नेता के बारे में नहीं बोलिया तुम, तो वे हो ना जो कमेंट करके वाजी वाजी करके घर बैठ जाओ, एचलियत की लड़ाई तो मैं लड़ू ना भाई, फिर भी रोड पर रहना, 25 धमकी एक दिन आ रही थी आना तू तन देखांगे, फिर भी मैं प्रोग्राम में गया, जिस दिन मैं मर गया वो दिन बैठ का हसेंगे, ठीक हो यार साड़ा बोलिया इतना करता होना ही होता है इसके साथ, असलियत में अगर किसी को दुख होगा तो मेरे परिवार को नुकसान होगा मेरे जाने का और किसी को नहीं। तुम RIP लिखी थी कि 2 दिन फोटो गिर गए, रही काम धंधे की जो बात से भाई, काम धंधा तो सब कर रहे हैं, क्या आपने कभी किसी नेता मंत्री तो पूछा नेताजी तेरी सैलरी तो 2 लाख रुपये मंथली और तू 5 साल में ले बनकर इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी कैसे जोड़ लेता है, साहब लेनिया बनो तुम पल्ले हो नाई थरी जाड़ा ना फोड़ देते, मेरे तो कई करके फादिया है, मैं तो तारा भाई हूं, मेरा तो कोई भी गड़ा पकड़ सकाया आकर, मैं कोई सिक्योरिटी मर लोग थोड़ी रहूं, 24 घंटे खुले आंडा 24 घंटे पब्लिक मर रहा हूं, अपने भाई को मजबूत करना चाहिए। मैं इनू का जो ना वीडियो शेयर करियो को करें क्यों ना करें, क्योंकि इन चीजा न्यू शेयर ना करें, छकारा के नहीं बढ़ना चाहिए, छकारा के तो पंजे घसीट लो रोक लो, लेकिन मैं भाई संघर्ष कर काटे ती आ रहा हूं, मैं कोई लिपा पोती करके नहीं आ रहा, मैं मेहनत कर काटे ती आ रहा हूं, तो मैं मेरी मेहनत नोर बत्ती बढ़ा को आगे भी जा सकता हूं, पर मन अच्छा लगेगा अगर समाज और भाईचारा मेरा साथ दे, मेरे अपने मेरा साथ दे, आज तक अपने अंत खाली टांग खींची है, गालियां दी है, नीचा दिखाया है, हाथ जोड़कर जिन्होंने दवाइयां के बारे में कोई भी डिस्कस करनी है, सलाह लेनी है अपनी दवाइयां के बारे में, या अपनी दवाई लेनी है, या अपनी कोई भी इलाज कराना, भाई वो सोनी पता सकते हैं अपने ऑफिस पे, या छोटी ही आप लोगों के लिए जिम्मेदारी थी, नंबर भी बता देता हूँ, दवाइयां का नंबर है, यो कदी फोन करके न्यू को रशिकारा कड़ा है, दवाइयां का नंबर पिन कर दिया नीचे कॉमेंट में, और नंबर बोल कर भी बता देता हूँ 9893333339। इससे दूसरा जो नंबर है 85-86-88-000-7, ये हमारे दवाइयों के नंबर हैं। मथुरा आगरा कैन के बहुत दूर दूर के रिटायर्ड फौजी भी आते हैं, बड़ी खुशी होती है जब भी आगे का बेटा सारे का घूम लिया था, थक लिया था, शुगर की दवाई मिल्या नहीं करती की तो डंकी मिल्या करती तो इलाज नहीं हो पाता, आपके कारण इलाज हो गया, और हम जो भी हमारे गुप्त रोगी होते हैं उनकी पहचान गुप्त ही रखते हैं। 16 लाख आदमियों की फाइल हमारे पास पड़ी, 16 लाख बहुत गुणी मानस हूँ,
इतने मानस तो गुप्त रोग ही ठीक हो लिए मार दो रहे केमन केमन तो दवाई हम होएगा। अगर अपना काम और ज्यादा आगे बढ़ता तो शायद आप लोग ही आगे बढ़ोगे, हम तो समाज सेवा और ज्यादा खुल कर पाऊंगे। यो ये छोटा सा संदेश था, इसमें शेयर करना चाहो कर सकते हो, किसी पर कोई दबाव है नहीं, क्योंकि मैं शेयर सोशल चीजें करवाया करूं, उस दिन यारा मैं पर्सनली चीज कहया भी नहीं करूं, लेकिन मैं खुद सोशल हो रहा हूं, ये चीजें शायद सोशल हैं, आप लोगों ने अच्छा लगा तो 5-5, 10-10 ग्रुप में शेयर कर सकते हो। आप सभी साथियों को तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।